Hi everyone, welcome back to my channel Mother Street, and in today's video we're gonna talk about some remedies for minor problems जो आपकी pregnancy में जितनी common problems होती है उनके बारे में. So let's start. प्रेगनेंसी में लाइफस्टाइल और डाइट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि मेडिकेशन. जो हम नॉर्मल अपनी लाइफ में डे टू डे अगर कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं हमको, तो हम बहुत सारी मेडिसिन ऐसी जो रेगुलर होती हैं हमारे घर में और हम उन्हें ले लेते हैं. बट प्रेगनेंसी में आप ऐसे कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं. आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कौन सी नहीं. जो आपको डेली में मतलब डेली इंटरवल में आप ले लेते हो, आपको लगता है कि हाँ फीवर हुआ तो ये ले लिया, स्टमक अपसेट है तो ये ले लिया. बट प्रेगनेंसी में आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीबायोटिक्स शुड बी अवॉइडेड, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, बिकॉज उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. अगर आपको लेनी भी होगी तो वो डॉक्टर्स ही आपको प्रिस्क्राइब करें. अपने आप से खुद से हम जो घर में मेडिसिन ले लेते हैं हमें पता होता है कि हाँ इस चीज़ की ये मेडिसिन है, ये हमें सूट करती है. बट प्रेगनेंसी में आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है. अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी सारी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें प्लीज़. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी की छोटी मोटी जो कंप्लेंट्स होंगी, जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आप हमें यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज ऐसा हर बार नहीं हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाएं और मेडिसिन लें, एलोपैथिक और ये सब. तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी लास्ट तक वीडियो देखें, बिकॉज मैं इसमें कुछ ऐसी बेसिक नॉर्मल जो माइनर प्रॉब्लम सबके साथ प्रेगनेंसी में होती है उसके बारे में बताऊंगी और उनके साथ साथ आपको दूंगी आयुर्वेद होम रेमेडी. फर्स्ट माइनर प्रॉब्लम इज कोल्ड, कफ या सोर थ्रोट हो जाती है आपकी. तो इसके लिए बेसिक बहुत छोटा सा काम आपको करना है. जैसे ही आपको फील हो कि आपको कोल्ड, मतलब हमें पता चल जाता है ना हम बीमार होने वाले हैं, थोड़ा सा हमें सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं. तो अगर आपको कोल्ड हो रहा है या फिर आपको कफ हो रहा है या फिर आपको गले में दर्द हो रहा है या कुछ भी है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक ग्लास ल्यूकवॉर्म या हॉट वाटर लेना है. उसमें आपको एक चुटकी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालनी है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है और इसके साथ आपको करना है गागल. बिकॉज इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके गले को अच्छा लगेगा और आपका कोल्ड कफ जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आपको सच में रिलीफ मिलेगा. नेक्स्ट माइनर प्रॉब्लम इज फीवर एट द फर्स्ट साइट. लाइक जब आपको सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं पहले से ही, बॉडी एक होना शुरू हो जाता है या फिर आपको अनइजीनेस होने लगती है, तब आपको क्या करना है, तभी आपको बॉइल वाटर करना है. लाइक बॉइल वाटर लेना है, आपको उसमें क्या क्या डालना है, आप उसमें थोड़ा सा सैंडलवुड डालिए, कोरिएंडर सीड्स डालिए यानी धनिए के जो सीड्स होते हैं वो, सैंडलवुड डालिए और खस रूट्स होती है. मैं इन सारी तीनों चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े. सो जस्ट चल अबाउट दैट. तो आपको ये सारी तीनों चीज़ें डालनी है और आपको वाटर बॉइल करना है और आपको थ्रू आउट द डे वो वाटर ल्यूकवॉर्म करके पीना है. तो इससे आपका जो फीवर है वो नहीं बढ़ेगा. एंड आप जितना हो सके थोड़ा सा लाइट डाइट लीजिए. लाइक जैसे मूंग दाल सूप ले सकते हैं आप, मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं. तो बहुत आपको मतलब लाइट फूड लेना है, लाइट मील्स लेनी है जो इजीली डाइजेस्टेबल हों. और अगर आपका जो फीवर है उसका टेम्परेचर लाइक आपका बढ़ रहा है बॉडी टेम्परेचर, तो डोंट वेट कि कुछ जादू हो गया या कुछ होगा. आपको एकदम से डॉक्टर के पास जाइए, जस्ट विजिट योर डॉक्टर और अपना मेडिकल जो भी हेल्प है वो लीजिए. बिकॉज ऐसे टाइम में प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए. अगर आपका फीवर बढ़ रहा है, आपने ये सारी चीज़ें अगर मैं जो बता रही हूँ वो कर लिया, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपनी मेडिकेशन लीजिए. सो नेक्स्ट इज गैस प्रॉब्लम, फ्लैचुलेंस, आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप खाना खाते उसके बाद बहुत हैवीनेस फील होती है आपको. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. तो उसके लिए भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास. आपको करना क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ करनी है. आप अपने खाने से पहले यानी अपनी मील से पहले आपको क्या करना है, आपको जिंजर पीस लेना है यानी अदरक लेना है छोटा सा, और आपको उसको लेना है रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक भी बोलते हैं, और उसके साथ आपको उसको खाना है. खाने से पहले उसको खा लीजिए और आप जब अपना मील लेंगे तो आपको हैवीनेस फील नहीं होगा, एब्डोमिनल पेन नहीं होगा और जो भी थोड़ी मेरी फ्लैचुलेंस या गैस की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी. तो अपनी मील से पहले ये ज़रूर लें. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है. आपको बेड टाइम यानी सोने से बिल्कुल पहले एक ग्लास हॉट वाटर लेना है, गर्म पानी लेना है, और आपको घी लेना है टी स्पून, 1.5 या 2 टीस्पून लेनी है यानी 1.5 से 2 चम्मच घी लेना है आपको, और उसको लेके पानी के साथ, गर्म पानी के साथ सो जाना है. आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डायरिया. एज सून एज यू डिस्कवर दैट आपको डायरिया है डायरेक्ट प्रॉब्लम, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मिक्सचर लेना है एक,
उसमें आपको क्या क्या मिक्स करना है, लेमन जूस, जिंजर जूस एंड हनी, और आपको ये जो मिक्सचर है उसको कंज्यूम करना है थ्रू आउट द डे, थोड़ा 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 करके आप ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज डायरिया लास्ट। तो होता क्या है, जो आपका डाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इतना मतलब आपकी जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो इतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो आपको ऐसे टाइम में बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल फूड खाना है, जैसे कि मूंग दाल सूप, मूंग दाल खिचड़ी, पफ राइस आप खा सकते हैं, या फिर आप सॉफ्ट एंड राइस जो राइस होते हैं उसको बटर मिल्क में मिला के खा सकते हैं। तो ये सारे फूड जो है वो ईजिली डाइजेस्टेबल है, वो आपको आपके जो स्टमक है उसको भी ईज देगा, तो दे आर रियली वेरी यूजफुल। और अगर आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, जैसे कि आपके जो स्टूल है वो बहुत वाटरी है, या ब्लड आ रहा है उसमें, या फिर बहुत सारी और जो आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं वो बढ़ रही हैं, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज हेमरॉइड्स और पाइल्स। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, विच इज वेरी यूजफुल, लाइक इट्स नॉर्मल, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ऐसे घबराने वाली कोई इशू नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ी बहुत चीजें ध्यान देनी होगी। तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम में, आप खाइए होममेड बटर होता है, होममेड बटर कैंडी शुगर के साथ आप खाइए और आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। और आप एलोवेरा पल्प होता है वो अपने इनर एरिया में लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत आराम लगेगा। एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड इज वेरी प्रीशियस ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, और आपको बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए, और आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो अपनी प्रॉपर अपनी मेडिकेशन वगैरह लीजिए। नेक्स्ट इज वेरिकोज वेन्स। इट इज़ वेरी लाइक बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल चीज़ है, हो जाता है प्रेगनेंसी में। और ये होता क्या है, जो आपकी लेग्स होती हैं उसमें स्वॉलन डार्क मरून कलर की आपने देखी होंगी, ब्लूइश हो जाती हैं वेन्स होती हैं, वो स्वॉल हो जाती हैं आपकी लेग्स में। तो ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, मतलब हो जाती हैं बहुत सारे लोगों को, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी मैं आपको आगे सोल्यूशन बताती हूँ। जो आपकी लेग्स की वेन्स होती हैं उनका काम क्या होता है, कि जो भी इम्प्योर ब्लड है वो आपके हार्ट तक प्यूरिफिकेशन के लेके जाता है। बट प्रेगनेंसी में जब आप खड़े हुए हैं, आपके जो लेग्स हैं, कुछ वेमेन जो होती हैं प्रेगनेंसी में उनकी जो वेन्स होती हैं बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, और इसकी वजह से दे कांट पुश बैक द ब्लड टू द हार्ट, तो प्रॉब्लम हो जाती है, और इस वजह से जो आपकी वेन्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, और बहुत ज्यादा हेवीनेस फील होता है, आपको पेनफुल भी हो सकता है वो। तो इन सारी चीजों से आपको ऐसे बच सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक खड़े मत रहिए, लाइक प्लीज अवॉइड कीजिए। अगर आप एक जगह खड़े हुए हैं और काफी टाइम तक आपको खड़े होना पड़ रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज इससे आपकी जो वेरिकोज वेन है वो होने का और ज्यादा चांसेस है। जब आप बैठे हैं, आप चेयर पे या स्टूल पे या जैसे भी आप बैठ जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप क्रॉस लेग करके ना बैठे, जैसे हम पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है लेग्स में वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। जब भी आप बैठे हैं तो पैर ऐसे नीचे करके ना बैठे, लाइक पैर बोलते हैं ना पैर टंगा के ना बैठे, आपके ब्लड सर्कुलेशन पे फर्क पड़ेगा। तो जब भी आप कहीं बैठे हैं नॉर्मली, आप किसी गैदरिंग में या फिर अपने घर में बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने जो पैर हैं अपने उनको स्टूल पे रख लीजिए या टेबल पे रख लीजिए, ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। और एटलीस्ट वंस अ डे, एक बार दिन में तो आपको ऐसा करना है कि जो आपके पैर हैं आप उनको हायर, लाइक जैसे आपका जो बॉडी लेवल है, अगर प्लेटे हुए हैं तो पिलोज लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन पूरे दिन में एक बार आपको जरूर ऐसा करना है कि जो आपकी लेग्स हैं वो हायर लेवल पे होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक लाइक बैठना ही है, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लाइक यू हैव टू सिट। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप उस टाइम में नॉर्मली चेयर पर बैठे रिलैक्स कीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए, और या फिर काम करते करते भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपने टो से यानी अपने पंजों से हवा में एयर में आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं, ए बी सी डी, जितना कर सकते हैं उतना, बट यू हैव टू डू इट। उससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका वो चलता रहेगा, बिकॉज बहुत बार हम बैठे हुए हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइक वी आर सेटिंग, तो कुछ ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा पैर नीचे टंगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर ऐसी सिचुएशन है तो कोशिश कीजिए कि कोई स्टूल रख लीजिए आगे, ताकि आप अपने पैरों को आराम से लेग्स को ऊपर रख के रेस्ट दे सके उनको। और ये सारी चीज़ें आपको खुद ध्यान देनी पड़ेंगी, किसी का वेट मत कीजिए कि कोई आके आपको हेल्प करेगा, कोई आपको ये सजेशन देगा, आपको खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे टाइम में। जस्ट बी यू नो, आपको हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं तो फिर कोई आपका ख्याल नहीं रख सकता, तो प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज लेग क्रैम्प्स, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और स्पेशली लास्ट के जो मंथ्स होते हैं उनमें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस टाइम में आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है स्लगिश हो जाता है, और आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, और वाइटामिन बी और ई की भी कमी की वजह से हो सकता है। ये सारे रीज़न है कि आपके जो लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। अब उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके जहाँ भी क्रैम्प पड़ रहा है उस जगह पे अच्छे से मसाज कीजिए। हॉट वाटर बॉटल कैन बी यूज्ड, अगर सर्दियों का टाइम है तो आप हॉट वाटर बॉटल आराम से यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सोने
का टाइम जो वो उससे पहले आप अपने बेड पे हॉट वाटर बॉटल रख लीजिए, आपका बेड वार्म हो जाएगा और उससे आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा जब आप आराम से सोएंगे अपने पैर रख के वहाँ पे, तो आपको अच्छा लगेगा, रिलीफ मिलेगा आपके लेग क्रैम्प्स जो है। आप अपनी मिल्क इनटेक बढ़ाइए, मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ाइए, तो आपका जो कैल्शियम की कमी है बॉडी में वो कम होगी। वैसे तो आपके सप्लीमेंट्स चल ही रहे होंगे, आपके डॉक्टर ने पक्का दिए होंगे कैल्शियम विटामिन और फोलिक एसिड और ब्ला 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 ब्ला, बट स्टिल आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए। अगर लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं दैट मीन्स अभी भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, विटामिन बी विटामिन ई इन सारी चीज़ों की कमी है। तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, आप ऐसे टाइम में मिल्क प्रोडक्ट्स जो जैसे कॉटेज चीज़ है या फिर चीज़ या फिर मिल्क इनटेक बढ़ाइए अपना, बटर मिल्क लीजिए और जो रेडिश होती है जो मूली होती है उसका जो ग्रीन ऊपर लीव्स होती है छोटी 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 बड़ी वाली नहीं छोटी बड़ी वाली भी खा लीजिए, छोटी छोटी जो होती है फ्रेश लीव्स होती है वो खाइए, कॉलीफ्लावर मेथी सारी चीजें जो आपको अपना डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए इफ यू आर फेसिंग लेग क्रैम्प्स। एक और टिप आपको देना चाहूंगी, अगर आपके लेग क्रैम्प्स का प्रॉब्लम आपकी प्रेगनेंसी में आ रहा है तो अभी अगर आपको लेग क्रैम्प्स है तो सोने से पहले आपको क्या करना है, 6 फुट या वो काफी होगा 6 फुट का एरिया होगा तो आपको उसी इतनी सी ही जगह चाहिए 6 फुट की। और आपको करना क्या है, पहले आपको अपने टोस पे चलना है, अपने पंजों पे चलना है, उसके बाद थोड़ा टाइम आपको अपने हील्स पे यानी अपने क्या बोलते हैं एड़ियों पे चलना है, और उसके बाद जो आपके पैरों का दूसरा साइड है वैसे चल रहा है, लाइक पहले पंजों पे फिर हील्स पे एंड देन अपने दूसरी साइड पे। तो ऐसा करके आप चलोगे तो फिर आपको आराम से ही आएगी, लेग क्रैम्प्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये सारी चीज़ें जो आप करोगे उस आराम से करना, ये नहीं कि लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट इज अदर इश्यूज, मैं इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करती हूँ। जैसे कि बहुत बार होता है कि वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उनको, या फर्स्ट फ्यू मंथ्स में जो होती है स्पॉटिंग की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है स्पॉटिंग हो रही है, तो ये जो भी वाइट डिस्चार्ज स्पॉटिंग या वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है इन सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है आपके बेबी पे और आप पे, दोनों पे पड़ता है, और आपकी बेबी के डेवलपमेंट ग्रोथ जो है नरिशमेंट जो है इस पे फर्क पड़ता है। तो जितनी जल्दी हो सके आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ट्रीटेड होना चाहिए प्रॉपरली। तो इन सारी चीज़ों की जो मैंने अभी बताया जो प्रॉब्लम का सलूशन अभी फिलहाल जो मैं बता सकती हूँ वो ये है कि आपको करना क्या, जैसे जो भी घर में राइस बनते हैं जो चावल बनते हैं तो आप उस जिसको पानी में सोक करते हैं चावलों को, राइस को जो सोक करते हैं जिस वाटर में, आप उस पानी को पीजिए, यानी आपने जो राइस धोने के लिए पानी यूज़ किया है या जिसमें सोक किए हैं फिर राइस उस पानी को पियेंगे तो ये जो आपकी वाटरी डिस्चार्ज वाइट डिस्चार्ज और स्पॉटिंग की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में या वैसे भी वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा फॉर श्योर। प्लीज़ ट्राई कीजिए, जितनी भी मैंने अपनी आपको कोशिश करी, जितनी मैं माइनर प्रॉब्लम्स जो प्रेगनेंसी में होती हैं जो मुझे फेस हुई या फिर जो मैं सुनती हूँ अपने आसपास, उन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन आयुर्वेद होम रेमेडीज मैंने अपनी वीडियो में बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। उसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम को माइनर ना समझें, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यूजुअली लेडीज़ क्या करती हैं, घर चलाने में इतना बिजी हो जाती हैं, अपनी फैमिली का टेक केयर करने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो अपनी माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, उन्हें इग्नोर करती हैं। बट प्रेगनेंसी में प्लीज़ ये आप गलती बिल्कुल ना करें, बिकॉज आपके साथ साथ एक छोटी सी नन्ही सी जान भी है जिसका ख्याल आपको रखना है, क्योंकि कहीं भी कोई भी इम्बैलेंस होता है तो वो आपके साथ साथ आपके बेबी को भी हर्ट कर सकता है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट जो भी आपको माइनर प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो मेरी वीडियोस में कवर हो गया तो अच्छी बात है, अगर आपको इसके अलावा कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में एक अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जितनी मैंने सॉल्यूशंस आपको रेमेडीज बताई हैं उनको यूज कीजिए। इफ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन टू द नीडी वंस। आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जिनको भी जरूरत है उनको भेजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टेक केयर, बाय बाय।